हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वक्त मैं हूं सासन गिर में। गिर जंगल गुजरात का सबसे बड़ा जंगल है और 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। गिर जंगल में आज भी एशियाटिक लायन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लोग दूर दूर से गिर के जंगलों में यहां के शेरों को देखने आते हैं, तो इस वक्त मैं भी एक्साइटेड हूँ यहाँ के शेरों को देखने के लिए। तो चलिए मेरे साथ गिर जंगल के इस रोमांचक सफर में। गुजरात में जूनागढ़ से नजदीक एक छोटा सा शहर है जो कि सासन गिर के नाम से जाना जाता है। ये एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में गिर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और इसी कारण सासन गिर भी एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हुआ है। अब हम यहाँ से जीप सफारी लेकर गिर जंगल के शेर और यहाँ की कुछ और प्रजातियों के जानवरों को देखने जाएंगे। जीप सफारी में जाने के लिए आपको एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी और एक जीप के लिए 2900 रुपए चुकाने होंगे, जिसमें कम से कम एक से लेकर ज्यादा से ज्यादा 6 लोग तक सफर कर सकते हैं। गिर जंगल शेरों और यहाँ के कुछ और प्रजातियों के प्राणी का निवास स्थान है, तो इस जंगल में जाने से पहले यहाँ के कुछ नीति नियम हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लें और उनका पालन करें, ताकि आप जाने या अनजाने में यहाँ के किसी जानवर या फिर पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचाए। जैसे कि सफर के दौरान आप जीप से नीचे ना उतरे और ना ही किसी तरह का म्यूजिक या फिर हॉर्न बजाए। जंगल के अंदर स्मोकिंग ना करें और किसी तरह का कचरा ना फेंके। अगर आपको कोई जानवर या पक्षी दिखाई दे तो उसे दूर से ही देखें। उसके पास जाने की, उसे पत्थर मारने की या फिर किसी तरह से उसे छेड़ने की कोशिश ना करें और ना ही उसे कुछ खिलाने या फिर पिलाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये है नील गाय यानी कि ब्लू बुल। ये सच में बहुत ही ताकतवर होते हैं। कहा जाता है कि अगर फुल स्पीड में गाड़ी के साथ ये टकरा जाए तो इससे ज्यादा गाड़ी को नुकसान होगा। जीप सफारी के दिन में 3 स्लॉट्स होते हैं। पहला सुबह 6 से 9, दूसरा 11 से 2 और तीसरा 3 से 6 बजे का होता है। आज मैं तीसरे यानी कि 3 से 6 बजे के स्लॉट में जा रहा हूं। गिर जंगल में अब करीब 523 शेर है और 65,000 हिरन है। इसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हाइना, नील गाय, सांबार, चीतल, सुअर, मगरमच्छ, खरगोश, सियार जैसे और कई जानवर है और 300 से भी ज्यादा स्पीशीज के पक्षी पाए जाते हैं। 19वीं सदी में यहाँ के राजा और महाराजा अपने कुछ खास मेहमान और अंग्रेजी अफसरों को लेकर यहाँ पर शिकार करने आते थे। 19वीं सदी के बाद यहाँ पर शेरों की मात्रा 1 दर्जन से भी कम हो गई। इसके बाद शेरों की सुरक्षा के ऊपर खास काम किया गया और साथ साथ एशियाटिक लायंस की ब्रीडिंग करवाकर उनकी मात्रा बढ़ाई गई। अरे बाप रे, ये देखिए, यही है वो नजारा जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें भी कभी इस तरह से जंगल के राजा को देखने का मौका मिलेगा। आज हमें जंगल के राजा तो नहीं पर यहाँ की रानी को देखने का मौका जरूर मिला। जी हाँ, ये एक शेरनी है। आमतौर पर शेर और शेरनी कभी इंसानों पर हमला नहीं करते, पर फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है और वो भी खास करके तब जब वो भूखे हो या फिर उन शेरनियों से जिन्होंने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। इस शेरनी का वजन करीब 250 से 300 किलो के बीच होगा। कई 100 सालों पहले ये शेर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ ग्रीस और यूरोप के कुछ देशों में भी पाए जाते थे, पर 19वीं सदी के बाद ये सिर्फ यहाँ पर बचे हैं गिर जंगल में, और इसीलिए इन शेरों का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है और इनकी आबादी बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लगता है आज मेरी किस्मत पूरी तरह से मेरा साथ दे रही है, मुझे एक और शेरनी को देखने का मौका मिला। ये देखिए, लगता है जैसे ये भर पेट खाना खाकर आराम कर रही है, और जब तक ये रास्ते पर से उठेगी नहीं हम यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखिए, ये उड़ गई, कितनी बड़ी है ये, वाकई जबरदस्त नजारा है।
गिर जंगल बारिश के दौरान साल के चार महीने 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। आज का मेरा गिर का ये सफर बहुत ही रोमांचक जा रहा है, पर नियम के अनुसार मुझे 6 बजे से पहले इस जंगल से बाहर निकलना है, तो अब वक्त हो गया है इस जंगल से बाहर जाकर इस सफर का अंत करने का। पर वाकई आज का मेरा ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा ऐसे कुछ और रोमांचक सफर के वीडियोस के साथ।